पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने डॉक्टर आंबेडकर भवन को तोड़ने की जांच एसआईटी के मार्फत कराने एवं सुसज्जित भवन तैयार करने की मांग की है। पार्टी के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े ने कहा कि अम्बासरी उद्यान परिसर में पर्यटन विकास के नाम पर उद्यान के पास स्थित ऐतिहासिक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस मामले में हस्तक्षेप कर भवन पुनर्बनाने की पहल करनी चाहिए। पत्र परिषद में कवाड़े ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्मृति में मनपा ने यह भवन तैयार किया था। एमटीटीसी ने मनपा की अनुमति नहीं लेते हुए इस भवन को ध्वस्त करने का पाप किया गया है। मनपा ने विशिष्ट शर्तों के साथ यह जमीन एमटीटीसी को हस्तांतरित की थी, लेकिन एमटीटीसी ने शर्तों का पालन नहीं किया। मनपा ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। मनपा और एमटीडीसी के इस रुख से लोगों में नाराजगी है। कवाड़े ने आरोप लगाया है कि भाजपा के विधायक डॉक्टर परिणय फुके के कहने पर गरुड़ा कंपनी ने डॉक्टर आंबेडकर भवन को तोड़ा है। फुके को इसके लिए समाज में माफी मांगनी चाहिए। मामले की एसआईटी मार्फत जांच कराने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के विरोध में 30 अगस्त को मनपा एवं एमटीडीसी कार्यालय पर मोर्चा निकाला जाएगा। विधायक फुके के घर के समक्ष भी आंदोलन किया जाएगा। पत्र परिषद में पार्टी के कार्याध्यक्ष जयदीप कवाड़े, शहर अध्यक्ष अरुण गजबी, भगवान भोजवानी, अजय चौहान, बालू खटे मौजूद थे। ऐतिहासिक कार्यक्रम पण अचानकपणे नागपूर महानगरपालिकेने ही जागा जी आहे ही नागपूर महानगरपालिकेच्या मालकीची जागा ती जागा पर्यटन विभागाला एमटीडीसीला त्यांनी हस्तांतरित केली आणि 3 वर्षांमध्ये पर्यटनाचा विकास व्हावा अशा प्रकारची अट महानगरपालिकेने घातलेली होती। 3 वर्षांमध्ये पर्यटन विभागाने कोणत्याही प्रकारचा विकास त्या जागेचा केला नाही, त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेची जागा करारानुसार परत मागितली। ही जागा जेव्हा नागपूर महानगरपालिकेने परत मागितली तेव्हा परिणय फुके हे भाजपाचे आमदार आहेत। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।